I would like to call Akshay from class 8E. Secondly, Kartav. The duration, I will run a fixed day in once in a week. इसका प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे हम सब जानते हैं पिछले दो साल से बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ पाए हैं और ज़्यादातर जो काम है खाली बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का भी जो भी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी काम करते हैं ये सारा ऑनलाइन चल रहा है तो लोग जो है ज़्यादातर स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं और जो रीडिंग हैबिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहीं ना कहीं खो गई है सो उसको सोच रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लाइब्रेरी ऑन व्हील्स जो कि व्हीकल में हम बुक्स न्यूज़पेपर्स इस तरह के जर्नल रख के कुछ एरियाज़ हमारे जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं अनिया सेक्टर है आरसपुरा है मीरा साहब है बशरा है एंड इवन ऑफकोर्स सिटी के एरियाज़ है नानक नगर है सैनिक कॉलोनी वगैरह है तो हमने ये डिसाइड किया है कि वीक में एक बार इन जगहों पर हमारी गाड़ी स्टेशन रहेगी जिसमें ना कि खाली हमारे बच्चे बल्कि उधर के एरिया के जितने लोग हैं कम्युनिटी से कोई भी आके जिनको रुचि है पढ़ने में वो आएँ किताबें पढ़ें इवन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों हमने अप्रोच किया है ZDU's को कि आप भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी आप ये मैसेज दीजिए तो वो आके पढ़ना चाहते हैं बुक लेके जाना चाहते हैं वो ज़रूर लें और उससे बेनिफिट उठाएं और उस बुक के बारे में रिव्यू लिख के अगले वीक जब वो रिटर्न करने आए साथ में हमें रिव्यू भी भेजें उस बुक्स का ताकि हमें भी पता चले कि लोग जो है इसको पढ़ने में रुचि ले रहे हैं आज यहाँ पर संस्कृति स्कूल में इन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है नया एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है मोबाइल जब स्कूल की मैनेजमेंट से मुझे इस बारे में फोन किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखने कि नया स्कूल एक स्कूल शुरू कर रहा है कोविड के ज़माने में जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं उनके घर तक ही बुक्स पहुँचाने जा रहे हैं और ये स्कीम जो है फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज दी आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच स्टार्टेड सच एन इनिशिएटिव ड्यूरिंग दिस टाइम्स बुक्स आर दीज़